भाई बारिश में ऑर्डर है और हमने रेन सूट पहन लिया। देख लो रेन सूट पहन के चलने देने चलते इस ऑर्डर को, मोबाइल में भी कवर लगा रखा है। आया मैसेज भाई देख ऑर्डर कहाँ का लगा, खाना लेके होटल से राइडर। हेलो शुरबानी, मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी और हो चुकी हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज भी है सैटरडे है और आज हम फुल डे करने जा रहे हैं जोमेटो में। और मेरी गिग्स बुक है सुबह 11 से शाम को 11 बजे तक की, और उस गिग्स में आप देख रहे हो 1200 रुपये शो कर रहा है। और देखते हैं पूरे दिन में कितनी अर्निंग होती है और आपको भी दिखाते हैं। तो चलते हैं बाहर, 11 बज गए, मैंने लॉगिन कर लिया है। शीट टी शर्ट को भी उतारता हूँ, लॉगिन करने के बाद उतार देता हूँ, नॉर्मल उसमें ही करता हूँ। तो चलते हैं बाहर, दिखाते हैं आज आपको हमारी जोमेटो की अर्निंग। तो चलो बाहर। तो भाई 11:20 हो गए, 11 बजे लॉगिन आ गया था, अभी तक तो कोई ऑर्डर आया नहीं है। और ये है तिलक नगर की मेन मार्केट। में यार ग्लव्स लेने हैं मेरे हाथों के लिए, पुराने वाले ग्लव्स मेरे सारे ख़राब हो गए, फट गए। देखता हूँ यहाँ कोई ऐसे सीरीज की दुकान मिल जाए तो ग्लव्स ले लेता हूँ। आज मौसम तो बढ़िया है, धूप अभी नहीं हो रही लेकिन बादल वैसे ही हैं, अभी उड़ जाएंगे, धूप हो जाएगी ऐसा लग रहा है। बाकी मौसम अच्छा ही रहे तो धूप नहीं होनी चाहिए, काम करने में तभी मज़ा आएगा। तो भाई ग्लव्स तो मिला नहीं और आज सैटरडे है, सैटरडे को भी काम नहीं है, अभी तक एक ऑर्डर नहीं आया, आधा घंटा हो गया मुझे। और कहाँ से चलते चलते मैं जेल रोड तक आ गया, आगे ओम स्वीट एंड स्नैक्स तक जाता हूँ, वहाँ शायद ऑर्डर आ जाए, वहीं वेट करूँगा, फिर उसके बाद आगे कहीं नहीं जाऊँगा मैं। और अभी आपको गुरुद्वारा दिखाता हूँ, फतेह नगर गुरुद्वारा आगे आने वाला है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। ये आ गया हमारा फतेह नगर गुरुद्वारा। पहले मैं बहुत आया करता था, हर मंगलवार आया करता था, फिर काफ़ी टाइम से गुरुद्वारे नहीं आया मैं। एक गुरुद्वारा था, बस आगे जाके 2-3 शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ से ऑर्डर आने की उम्मीद है, तो वहीं वेट करता हूँ जाके मैं। तो भाई सुबह की शुरुआत हो गई हमारी, आज का पहला ऑर्डर पिक कर लिया हमने ये, और ये बस 2 किलोमीटर दूरी देने जाना है। 35 रुपये शो कर रहा है, ड्रॉप करके बताता हूँ कितने रुपये देता है ये। तो भाई पहला ऑर्डर 15 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया, 35 रुपये ही मिले, 2 किलोमीटर का ऑर्डर था, 35 रुपये सही दे रहा है पैसे तो, बस ऑर्डर आने चाहिए, अभी तक ऑर्डर नहीं आया मेरे पास, दूसरा बहुत देर हो गई। और गाड़ी की बात करें तो अभी ये चली हुई है 65 किलोमीटर से स्टार्ट किया था मैंने, और लास्ट में बताऊँगा कितने किलोमीटर चलती है हमारी गाड़ी। आज का सेकंड ऑर्डर पिक कर लिया और हमने, इतनी धूप क्यों हो गई अभी से, मैकडोनल्ड से सेकंड ऑर्डर पिक किया है, चलते इसको डिलीवर करने, 4 किलोमीटर दूर ही देने जाना है, और इसका अमाउंट डिलीवर करके ही बताता हूँ मैं आपको। तो भाई सेकंड ऑर्डर भी मेरा कंप्लीट हो गया, 55 रुपये शो कर रहा था और इसमें हमें 55 रुपये ही मिले, 17 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कम्प्लीट कर दिया था। है अभी थोड़ी देर पहले धूप हो रही थी और अब मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया, देखो बारिश आने वाली है, ऐसा लग रहा है। ओ भाई साहब हवा चल रही है बहुत तेज़ और बादल देख रहे हो काले काले, आज रेन सूट काम में आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, जब से रेन सूट आया ना एक बार भी नहीं पहना, आज पहनेंगे भाई। ओ तेरी कितनी तेज हवा चल रही है ये। बैग गीला हो रहा है मेरा, बारिश में ऑर्डर आया है और हमने रेन सूट पहन लिया, देख लो रेन सूट पहन के चलने देने चलते इस ऑर्डर को, मोबाइल में भी कवर लगा रखा है। तो भाई बारिश के बाद क्या मौसम हो गया शानदार वाला, और ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये है भाई उत्तम नगर का फ्लाईओवर, और कौन सी जगह है ये, अरे वाह कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से, नाइस, इधर से ही गाड़ियाँ आ रही हैं और मेरा फ़ोन कवर के अंदर है, बारिश आ रही है अभी हल्की हल्की, और रेन सूट अपन ने डाल ही रखा है, यहाँ से अच्छा दिख रहा है नज़ारा। आया मैसेज भाई देख ऑर्डर कहाँ का लगा, खाना लेके होटल से राइडर मंजिल को भगा, पूरे शहर में देख लो तुम नजरे घुमा, ये जोमेटो वाले लाल शेर दिखे हर जगह। आया मैसेज भाई देख ऑर्डर कहाँ का लगा, खाना लेके होटल से राइडर मंजिल को भगा, पूरे शहर में देख लो तुम नजरे घुमा, ये जोमेटो वाले लाल शेर दिखे हर जगह, वाले लाल शेर पूरे शहर में घूमती है लाल वाली गैंग, करें बाइक सबकी रेस पे है हैंग, करें चिल भरे बिल सारी रात बैंग बैंग, करनाल से हूँ सुनो हरियाणे वाली स्लैंग, करे फूड न डिलीवर मेरी गैल करे छोकरे, हम देश सेवा करे पुलिस साले बिना रोक रे। भाई नीचे पेड़ गिरे पड़े हैं भाई, तो इतनी तेज बारिश आई है ना, ये देखो ये पेड़ गिरा पड़ा है, ये सारे पेड़ गिरे पड़े हैं, एकदम से झक्कड़ आया था।
पेड़ वेड़ सब गिर गया, उसकी वजह से जाम लग रहा है बहुत तगड़ा वाला। आगे देखो जाम खत्म नहीं हो रहा है। ये देखो पेड़ वेड़ टूटे टूटे पड़े हैं, मैं इसकी टांग वो तो अभी साइड वाइड कर दी, नहीं तो जाम लग रहा था यहाँ सारा पेड़ वेड़ों के चक्कर में। आज दिन में लगातार बारिश आई, बारिश में काम करने में मज़ा आया, अर्निंग भी अच्छी हो रही थी, सर्च पे चल रहा था रेन का। और अब भाई रात के 9 बज रहे हैं और मैंने रात के 10 बज रहे हैं, मैंने गो टू होम लगा दिया है। फिर अभी तक 16 ऑर्डर हो गए हैं, 17वां लेने आए हैं और उसके बाद 18वां ऑर्डर करूँगा गो टू होम वाला, घर वाला, और बाकी टोटल अर्निंग बताएंगे घर जाने के बाद। तो भाई आ गए हम घर और शनिवार को बारिश बहुत तेज आ रही थी, जैसे कि आपने वीडियो देखा। बारिश आने की वजह से रेन सर्च पे चल रहा था, तो रेन सर्च पे चल रहा था इसलिए थोड़ी सी हमारी ठीक ठाक अर्निंग हो गई। 200 रुपये तो हमारे रेन सर्च पे के ही थे, अगर बारिश ना होती तो 200 रुपये कम अर्निंग होती हमारी। लेकिन यही यार गिग्स में इतनी कोई खास अर्निंग हो नहीं रही, अगर यही हमारा टारगेट पे वाला रेट कार्ड होता। टारगेट पे मैं बाइक आईडी में 10 ऑर्डर पे 800 रुपये दे रहा है शाम को जोमेटो, यहीं दिल्ली में ही मैंने देखा था एक दो राइडरों का रेट कार्ड, और उसको अब 800 से 700 कर दिया, उसको भी कम कर दिया। और वहीं फुल डे की बात करें तो पूरे दिन में वो 20 ऑर्डर पे 1700 रुपये दे रहा है, और मेरे 18 ऑर्डर हुए थे, और 18 ऑर्डर की टोटल अर्निंग मैं बताता हूँ। और 20 ऑर्डर पे 1700 रुपये दे रहा है, 18 ऑर्डर मेरे हो गए थे, तो मैं 2 ऑर्डर और करके मेरा टारगेट का अगर रेट कार्ड होता तो मैं टारगेट कंप्लीट कर लेता, तो वही लगभग 500 रुपये का अंतर आ रहा है गिग्स में और टारगेट रेट कार्ड में। अब क्या कर सकते हैं, गिग्स में आईडी हो गई तो हो ही गई। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी सिटी में गिग्स नहीं आया है, आने वाला है, तो भाई रेट कार्ड है आपका टारगेट वाला, तो गिग्स में मत करना भूल के भी। अगर आपको लग रहा है आपकी अर्निंग गिग्स के बाद बढ़ सकती है तो ही गिग्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि मेरा जो रेट कार्ड था बहुत कम था, 20 रुपये पर ऑर्डर मिल रहा था मुझे, तो मजबूरन मुझे मेरी आईडी को गिग्स में कन्वर्ट करना पड़ा। यही अगर उस टाइम मेरी बाइक आईडी होती और मेरा टारगेट का रेट कार्ड होता ना, तो मैं गिग्स में बिल्कुल भी नहीं जाता। इस टाइम जिसका भी रेट कार्ड टारगेट पे वाला है तो भाई उसकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है जोमेटो में हमारे साथ ही, तो जोमेटो को यार ये सोचना चाहिए। जोमेटो के इस टाइम कम से कम 10 तरह के रेट कार्ड चल रहे हैं दिल्ली में। मैं हर किसी से मिलता हूँ, उसका रेट कार्ड देखता हूँ, बिल्कुल डिफरेंट, किसी का टारगेट पे का चल रहा है, किसी का टच पॉइंट वाला चल रहा है, और किसी का फ्लैट रेट कार्ड है, तो भाई सबका रेट कार्ड अलग है। और जो गिग्स में कर रहे हैं बेचारे वो तो परेशान हो ही रहे हैं। अब हम कर भी क्या सकते हैं, जैसी भी अर्निंग हो रही है बस ठीक है, काम चल रहा है और काम ही चलना चाहिए। अब बात करते हैं एक एक ऑर्डर की अर्निंग की। तो भाई शनिवार को मैंने 11 बजे लॉगिन कर लिया था और मेरे पास 11:30 बजे पहला ऑर्डर आया। ये आधा किलोमीटर से पिक करना था, लगभग 2 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 35 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 35 रुपये ही मिलते हैं। 15 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी पास से पिक था, लगभग 4.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 56 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 55 रुपये मिलते हैं। मात्र 17 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 1 किलोमीटर से पिक था, लगभग 2 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 62 रुपये शो कर रहा था। और जब ये ऑर्डर मैंने पिक करा बारिश आना शुरू हो गई थी, तो इसमें बारिश के भी हमें 20 रुपये मिले हैं, 42 रुपये ऑर्डर के, बारिश के 20 रुपये, टोटल 62 रुपये मिले हैं हमें इस ऑर्डर में। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 2 किलोमीटर से पिक करना था, लगभग 4.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 82 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 62 रुपये ऑर्डर के और 20 रुपये रेन के, टोटल 82 रुपये। 34 मिनट लग गए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में, और जैसे ही मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किया नेक्स्ट ऑर्डर भी आ गया था मेरे पास, तो ये पास से पिक करना था, लगभग 5.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 87 रुपये शो कर रहा था और ये ऑर्डर आने के बाद मल्टी ऑर्डर हो गया था, सेम पिकअप था और सेम ही ड्रॉप था, 116 रुपये का ये ऑर्डर हो गया था। हमने इस ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया था, 91 रुपये ऑर्डर के मिले और 27 रुपये रेन सर्च पे के। अब रेन सर्च पे मैं भी जोमेटो खेल गया, पहले तो 25 रुपये देता था और 15 रुपये देता था, अब इसने कर दिया 20% और 30%, जितनी आपकी ऑर्डर अर्निंग होगी उसके ऊपर 20-30% देगा। जैसे कि आपकी 30 रुपये ऑर्डर अर्निंग है तो 20% दे रहा है, तो 3×6 6 रुपये रेन सर्च हो गए, और वही 30% दे रहा है तो 3×9 10 रुपये दे देगा। तो भाई पहले वाला ही अच्छा था, कम से कम 25 रुपये फिक्स तो देते थे। जोमेटो भाई कहीं नहीं जीने दे रहा राइडर को, रेन सर्च पे मैं भी खा गया। तो इस ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया था हमने, 118 रुपये मिले हमें इस ऑर्डर के, 43 मिनट लग गए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 1 किलोमीटर से पिक था, लगभग 5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 84 रुपये शो कर रहा था
और इसमें हमें 84 रुपये ही मिलते हैं। उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया मैं। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, 2 किलोमीटर से पिक था, लगभग 3 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 67 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 47 रुपये ऑर्डर के, 20 रुपये रेन के, टोटल 67 रुपये मिलते हैं। 28 मिनट में ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी पास से ही पिक था, लगभग 3 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 58 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 52 रुपये ऑर्डर के और 15 रुपये रेन सर्च पे, टोटल 67 रुपये मिलते हैं। 23 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी 1 किलोमीटर से पिक था, लगभग 1.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 28 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 35 रुपये मिलते हैं। मात्र 13 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। और शाम के 4:30 बज चुके थे, मैंने अपनी आईडी बंद कर दी थी क्योंकि मेरी 5 बजे तक की गिग्स बुक थी, 11 से 5 की, और उसके बाद 7 से रात को 11 की। तो 2 घंटे हमने रेस्ट किया था, फ़ोन आके घर पर चार्ज भी किया था, तो तब तक मेरे 9 ऑर्डर हुए थे और मल्टी मिला के 10 ऑर्डर हुए थे। तो 10 ऑर्डर की टोटल अर्निंग हो गई थी 609 रुपये, सर्च पे भी इसमें इंक्लूड है। 5.5 घंटे में हमारी दिन में 609 रुपये की अर्निंग हो गई थी। उसके बाद हमने 7 बजे लॉगिन किया। लॉगिन करते ही हमारे पास पहला ऑर्डर आ गया था, 2 किलोमीटर से पिक था, लगभग 3 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 71 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 56 रुपये ऑर्डर के, 15 रुपये रेन सर्च पे के, 71 रुपये ही मिलते हैं। 24 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया और ऑर्डर कंप्लीट करते ही हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर भी आ गया था। तो भाई जो अगला ऑर्डर है ये लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर था, पास से पिक करना था, लगभग 8.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 116 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 116 रुपये ऑर्डर के और 6 रुपये लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न पे के, 123 रुपये टोटल मिलते हैं। 36 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 1 किलोमीटर से पिक था, लगभग 1.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 34 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 34 रुपये ही मिलते हैं। 26 मिनट लग गए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये पास से पिक था, लगभग 5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 89 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 68 रुपये ऑर्डर के और 20 रुपये लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न पे के, टोटल 89 रुपये ही मिलते हैं। 28 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 3 किलोमीटर से पिक था, लगभग 7.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 119 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 96 रुपये ऑर्डर के, 27 रुपये रेन सर्च पे और 5 रुपये रिटर्न पे के, टोटल 124 रुपये मिलते हैं। 35 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 3 किलोमीटर से पिक था, लगभग 4.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 83 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 62 रुपये ऑर्डर के, 20 रुपये रेंज सर्च पे के, टोटल 82 रुपये ही मिलते हैं। 23 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 1.25 किलोमीटर से पिक था और लगभग 4 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 57 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 57 रुपये ही मिलते हैं। 30 मिनट लग गए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। और जब मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट करा, 10:26 हो रहे थे, मेरी 11 बजे तक की गिग्स बुक थी और मैं पहुंच गया था द्वारका। तो मैंने गो टू होम लगा दिया था, तो द्वारका से गो टू होम लगाया जैसे ही मैंने, तो मेरे पास ऑर्डर आया, 2 किलोमीटर से पिक था और 7 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 10 किलोमीटर दूर था, तो 9 किलोमीटर में वापस आ गया मेरी लोकेशन में। तो जब मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट करा तो मुझे लगभग 2 या 3 किलोमीटर ही वापस घर आना पड़ा। तो भाई गो टू होम कई बार जब ज़्यादा दूर होते ना तब तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब पास में से लगाते हैं ना, कि घर के आसपास ही हो, 2-3 किलोमीटर हो, तब लगाते हैं ना, तब सही से काम नहीं करता। मैंने ये देखा है, जब आप ज़्यादा दूर होगे ना, गो टू होम लगाओगे, तो आपको 15 किलोमीटर भी दूर हो ना, तो 10 किलोमीटर तो आपको भेज ही देगा। मैंने ये देखा है जोमेटो में। तो भाई 2 किलोमीटर से पिक था, लगभग 7.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था, 100 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 100 रुपये ऑर्डर के, 5 रुपये लॉन्ग डिस्टेंस के, 105 रुपये मिलते हैं। 30 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। तो भाई शनिवार को हमने जोमेटो के साथ पूरे दिन काम किया, लगभग 10 घंटे हमने काम किया। हमारे 17 ट्रिप और 18 टोटल ऑर्डर होते हैं, 18 ऑर्डर की टोटल अर्निंग होती है 1298 रुपये, 1298 में से 1092 रुपये ऑर्डर अर्निंग के और 16 रुपये लॉन्ग डिस्टेंस के और 205 रुपये रेंज सर्च पे के। और मेरी गाड़ी लगभग 110 किलोमीटर चली है, तो 300 रुपये एवरेज हम खर्चा मान लेते हैं, पेट्रोल प्लस अदर, तो 300 रुपये हटाने के बाद हमने 1000 रुपये की अर्निंग कर ली पूरे दिन में। तो यही हमारा रेट का टारगेट पे वाला होता तो हमारी लगभग 1500 रुपये की अर्निंग हो जाती, लेकिन अब गिग्स में क्या कर सकते हैं, गिग्स में पहले से अर्निंग बहुत कम हो गई। यही एक महीने पहले तक ठीक दे रहा था गिग्स में, लेकिन लास्ट एक महीने से गिग्स में बिल्कुल भी अर्निंग नहीं रही। अब जैसा भी चल रहा है चलाए जाओ, बस काम चलना चाहिए, खर्चा निकलना चाहिए, वही हो रहा है और ज़्यादा कमाई नहीं हो रही। फिर भी बस ठीक है, जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे कमा लोगे, गिग्स में बस यही रह गया है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते किसी शानदार सी वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक के, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा।
ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक दूनी दो ते दो दूनी चार, पक्के बदमाश साले सारे मेरे यार।